ऑल यूनियंस एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान के अनुपालन में बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन एनएफटी एसएनजी एआईजीटीओ से संबद्ध दूर संचार कर्मचारियों और अधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रधान महाप्रबंधक दूर संचार जिला मुख्यालय मुरादाबाद पर हड़ताल की तथा मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की, जिनमें इनकी प्रमुख मांगे लंबित तीसरा वेतन पुनरीक्षण 15% फिटमेंट के शीघ्र लागू किया जाए, बीएसएनएल को विभाजित करके जो सहायक टावर कंपनी के गठन का प्रस्ताव है उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, दूसरे वेतन पुनरीक्षण के लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। हड़ताल पर मुख्य रूप से कामरेड अमरीश कुमार वर्मा, फिरोज अहमद खान, हरिशंकर शर्मा, देवेंद्र दोशांत वर्मा, जगदम्बा प्रसाद पांडे, प्रमोद त्यागी, मुकराम त्यागी, रणवीर सिंह, अब्दुल वली फारूकी, नियाज अहमद आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। जी आज जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मामला है, किन मांगों को लेकर क्या धरना प्रदर्शन? ये बीएसएनएल में पूरे देश में आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। दो तमाम यूनियन और एसोसिएशन ये सब मिलकर के हमारी एक बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित मांग है, जिसको लेकर के हम लोग हड़ताल पर हैं। जनवरी 2017 से पिछले एक वर्ष से हमारा तीसरा वेतन पुनरीक्षण, ये हमारी मांग है, वो लंबित है। हमारी मांग है कि 15% फिटमेंट के साथ इसको तुरंत लागू किया जाए, लेकिन सरकार इसमें अपनी लाचारी दिखा रही है। लगातार प्रबंधन कुप्रबंधन के कारण बीएसएनएल घाटे में जा रहा है, जिसका वो बहाना लेकर के हमारे अधिकार से हमको वंचित किया जा रहा है। इसके अलावा अभी पिछले सेकंड पीआरसी जो दूसरा वेतन पुनरीक्षण था, उसकी भी हमारी कई मांगें, कई मुद्दे भी छूटे हुए हैं, उनको भी लागू नहीं किया गया। इसके अलावा तीसरी एक और मांग है, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोग आंदोलन में हैं, कि भारत सरकार ने बीएसएनएल को विभाजित करके एक और सहायक टावर कंपनी बनाने का निर्णय लिया है, जिसके खिलाफ पूरे देश में बहुत ज़्यादा दूरसंचार कर्मियों में गुस्सा है। और हमारी मांग है कि तत्काल कैबिनेट के इस प्रस्ताव को निलंबित किया जाए और उसको निरस्त किया जाए, ताकि बीएसएनएल सुरक्षित रहे। वो इन तीन मांगों को लेकर के पूरे देश में 2 दिन का आम हड़ताल का कार्यक्रम है, इसलिए सभी पूरे दूरसंचार जिला मुरादाबाद के कर्मचारी और अधिकारी सभी एक छत पे बैनर के नीचे आकर के आंदोलन, तो आपने देखा सभी अपने अपने काम। अच्छा, एक बात करना चाहेंगे, यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री मुरादाबाद के नारे लग रहे थे, तो क्या इसका उद्देश्य क्या है, प्रधानमंत्री मुरादाबाद के? देखिए, कहीं ना कहीं ये लोगों का जो कर्मचारियों का गुस्सा है वो प्रकट हो रहा है, उसके पीछे और कोई मंशा नहीं है। केवल ये है कि लगातार प्रबंधन के कुप्रबंधन के कारण बीएसएनएल घाटे में जा रहा है, और उसका तर्क देकर, उसका बहाना देकर के हमारे अधिकारों से, हमारी मांगों से हमको वंचित किया जा रहा है, जिसके लिए लोग आंदोलन लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने मानव श्रृंखला बना करके और लंच आवर में हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके अपनी मांग दर्ज कराई थी, वहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई थी, विरोध प्रकट किया था हमने, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं मानी, और फिर बार बार यही तर्क के साथ बीएसएनएल घाटे में है और ये करके हमारे दूसरा जो वेतन पुनरीक्षण हुआ था उससे उसके भी तमाम मुद्दे हमारे अभी तक लंबित हैं। कब तक आपका प्रदर्शन चलेगा? तो ये 2 दिन की हड़ताल है, उसके बाद भी अगर नहीं सरकार मानती है या हमारा जो दूरसंचार विभाग है हमारी मांगों पर गौर नहीं करता है, तो फिर हमें उसके लिए फिर आगे कड़े कदम और उठाने पड़ेंगे। हम हो सकता है हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़े, तो ये हमारा आज का कार्य, कल भी हमारा एक हड़ताल का पूरा कार्यक्रम चलेगा। सभी यूनियन, सभी संगठनों के लोग यहाँ पर हैं, यहाँ एनएफटी है, यहाँ एसएनईआई है, एआईजीपीओए है, तो इसकी सेवा के लोग हैं, सभी संगठनों के संबद्ध लोग यहाँ पर। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।